नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। चित्रकूट में जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए सांसद चित्रकूट बांदा आर के सिंह पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिला अधिकारी अभिषेक आनंद, भाजपा जिला अध्यक्ष लवकुश चतुर्वेदी, पंडित राम लखन पांड्या, नगर पालिका अध्यक्ष करवी नरेंद्र गुप्ता, कोऑपरेटिव बैंक चित्रकूट बांदा पंकज अग्रवाल की उपस्थिति में आज मदर प्राइड ग्लोबल स्कूल चकमाली अमानपुर में सरस दर्शाया। सदैव गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं के साथ कार्य कर रही हैं। कहा कि लगातार गरीबों को ठंड के मौसम में कंबल वितरण किया जा रहे हैं। सांसद ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जब से सत्ता में आए हैं, गरीबों को दवा, पक्का मकान, रसोई गैस व सभी के बच्चे पढ़े लिखे, इस सोच के साथ सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री ने 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड योजना लाई है एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए लखपति व अन्य योजनाओं पर कार्य कर रही है। आज उन्हीं के सहयोग से कंबल वितरण किया जा रहा है। सांसद ने नए वर्ष पर सभी ग्रामवासियों को बधाई दी। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगातार ठंड के मौसम में कंबल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक सभी तहसीलों में लगभग 6000 तक कंबल वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर जगह जगह पर अलाव व ठंड से बचाने को कहा। इस अवसर पर कौशल्या, मलुआ, समरिया, ममता, रामकली, कुसुम आदि लाभार्थियों को 450 कंबल वितरण किया गया। ग्राम प्रधान लवलेश सहित कानूंगो, लेखपाल व ग्रामीण मौजूद रहे। चित्रकूट से संवाददाता राम लखन पांडेय की रिपोर्ट।